अरे बच्चों, आज से शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक का नाम है कॉमन सिस्टम और एक का नाम है आईयूपीएसी। तो नाम तो दो हैं, आप जानते ही हो, दो तरीके यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं। एक को आप नाम देंगे, इसे आप तो बोल सकते हैं आप ट्रेवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग या कॉमन नेम भी बोल सकते हैं इसको आप। दूसरा सिस्टम जो है आईयूपीएसी नेम है। देखिए क्या दोनों है। सबसे पहले तो आपसे जो यहां पे स्टार्ट करना है, इसमें पहला सवाल ये पूछता है कि किसी कंपाउंड का कॉमन नेम दो या दो से अधिक क्यों हो सकता है जबकि आईयूपीएसी केवल और केवल एक होता है। दूसरा सवाल पूछता है यह किस पे बेस्ड है, मतलब यह नेमिंग किस पे आधारित है और जबकि आईयूपीएसी किस पे आधारित है। दो क्वेश्चन इसके जनरली बनते हैं। तो पहला तो आपको जानना चाहिए इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ कंपाउंड एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। दो चीजों पे होता है, एक तो ओरिजिन देखना है, दूसरा इसकी कोई प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। जब यह ओरिजिन और प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा तो हो सकता है एक ही कंपाउंड की ओरिजिन दो या दो से अधिक जगहों से हो रही हो या प्रॉपर्टी भी दो या दो से अधिक हो सकती है। इस वजह से इनके नाम दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो मतलब कह सकते हो आप टू और मोर कॉमन नेम आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड। जबकि इसमें दो या दो से संभव है, क्योंकि यह देखिए ओरिजिन पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो ओरिजिन दो या दो से जगहों से हो सकती है, प्रॉपर्टीज भी अधिक हो सकती है, इस वजह से ऐसा है। जबकि ये जो है इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जब एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है तो एक कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से केवल एक ओनली वन आईयूपीएसी नेम इज पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड। पूरी दुनिया में कह सकते हो एक कंपाउंड का केवल और केवल एक ही आईयूपीएसी नाम पॉसिबल है। आगे हम देखते हैं अभी कि इस नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से नाम लिखेंगे। तो याद रखना है स्ट्रक्चरल बेस है, इस वजह से एक नाम, ओरिजिन और प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसलिए दो या दो से ज्यादा नाम पॉसिबल है। तो और आइए देखिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसे CH4 को ट्राई करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। आप लोग जानते हैं इसका एक नाम है मार्च गैस बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मार्च प्लेस। जानते ही इसका मतलब दलदल में पाएगा। सबसे पहले इस प्लेस पर हम जानते हो आप लोग, यहां पे पाए जाने की वजह से इसका नाम पड़ गया था मार्च गैस। इसके और भी नाम है, जैसे इसको कुछ लोग कुछ जगहों पे फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। फायर डैम्प का जलता है साउंड के साथ जलता है, इसलिए इसका नाम फायर डैम्प भी है। और एक कॉमन नेम तो जो आप लोग पढ़ते ही है, मेथेन के बारे में जानते ही हो, तो आएगा यूपीएसी पा जाएगा। खैर इसके ओरिजिन के बेसिस पे और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो नाम हो गए। मार्शी प्लेस दलदल में पाया गया था तो मार्श गैस ओरिजिन पे बेस्ड है। फायर डैम जलने पर साउंड प्रोड्यूस करता है तो नाम फायर डैम।
दो नाम प्रॉपर्टी पे और या ओरिजिन पे। ऐसे देखिए एक और नाम दिखाते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। एंड ये टर्म कहां से आया है, फार्मिका, विच मीन्स जो आप लाल चींटियां देखते हो रेड आंट, उनमें पाया गया था सबसे पहले, इस वजह से इसका नाम हो गया था फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली जो लाल चींटियां काटती हैं आपको तो इशिंग होती है, वह इशिंग इसी एसिड की वजह से होती है, ठीक है। और आप देख सकते हो CH3COOH, इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखिए यहां पे एसिटिक जो टर्म आया हुआ है वह आया है एसीटम से, विच मीन्स विनेगर, सिरका। आप सिरका सब शत्रु जानते ही हो, सिरका में पाया जाता है और जो सिरके का टेस्ट होता है उसकी स्मेल होती है वह इसी एसिड की वजह से होती है, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर में पाई गई थी। तो ऐसे और भी नाम है, जैसे आप देख सकते हो CH3CH2CH2COOH, चार कार्बन की एसिड है, इसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या है, ये टर्म कहां से आया है, बटर से एक्चुअली आया है। सबसे पहले जो एसिड रैंसिड बटर में पाई गई थी, इस वजह से इसका नाम हो गया ब्यूटायरिक एसिड। ऐसे टर्म्स और आएंगे, फिलहाल आपको याद रखना है क्या कॉमन नेम किस पे बेस्ड है, एंट्रेवियल सिस्टम किस पे बेस्ड है, यह कंपाउंड की ओरिजिन और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, और ओरिजिन और प्रॉपर्टी पर बेस्ड है इसलिए दो या दो से ज्यादा कॉमन नेम पॉसिबल होते हैं एक कंपाउंड के। वैसे भी आप जानते हो व्यक्ति के कॉमन नेम ढेर सारे होते हैं, घर पे ही बुलाने वाले नाम अलग अलग होते हैं, है ना। स्कूल में जाते हो वहां पे दोस्त जिले वाइज फला जिले का है तो ये नाम, यूपी का है तो ये नाम, ऐसे कर मतलब एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग होते हैं, बट रजिस्टर्ड नेम तो एक ही होता है ना, मतलब वह फिक्स्ड है, जो IUPAC रहेगा वह एक ही रहेगा, और कॉमन नेम दो या दो से ज्यादा हो सकता है। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग IUPAC नेम। थैंक्स।